तो दोस्तों आज हमारे पास है Redmi Note 11। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 11। अब ऐसा नहीं है कि Redmi Note 11 का वीडियो हम बना रहे तो सिर्फ Redmi Note 11 के ही स्मार्टफोन यहाँ पे अनलॉक होंगे, ऐसा नहीं है। Redmi, Poco, Xiaomi, MI जितने भी इन सब ब्रांड के सब ब्रांड्स हैं सभी के फ़ोन यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे। वीवो के भी कुछ स्मार्टफोन यहाँ पे अनलॉक हो सकते हैं क्योंकि इसका जो मिरेकल टूल से वो वीवो से ही किया हुआ है, ठीक है। तो वीवो के कुछ सेलेक्टेड मॉडल हैं जो यहाँ पे अनलॉक हो भी सकते हैं, बाकी रेडमी, एमआई, शॉमी, पोको के जितने भी डिवाइसेस हैं सब के सब यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से इस मेथड से अनलॉक हो जाएंगे, वो भी विदाउट डेटा लॉस के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी मेथड आपको बताते हैं वो विदाउट डेटा लॉस के साथ ही आपको हम बताते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए, हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी रेडमी की डिवाइस को आप बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हो, एमआई की डिवाइस को बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्मार्टफोन है, जैसे कि ये स्मार्टफोन है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्मार्टफोन है इसमें क्या है, अभी आप देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है, ठीक है। सिंपल सब देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जब भी इस ऑप्शन में आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आया आ रहा है कि ड्रॉ योर पैटर्न रिक्वायर्ड व्हेन डिवाइस रिबूट्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा फ़ोन है वो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि रिबूट के कारण, एक मिनट में थोड़ा ब्राइटनेस एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, तो आई थिंक अब जो है यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट वगैरह भी है ना, कुछ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ऐसे सिचुएशन में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो है अगर एक दो बार ट्राई करके देख लें, ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, हो सकता है इससे MRT जो है डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो MRT को डिसेबल यहाँ पे हमें नहीं करना है। ध्यान रहे हमारे चैनल पे आपको आईफोन से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगे, अगर आपके फ़ोन का आईफोन का लॉक जो है नहीं टूट रहा है तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आईफोन से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे वीडियोस को बनाया। फिलहाल हम एंड्रॉयड डिवाइस पे आते हैं। देखिए हर फ़ोन में जब लॉक होता है तो इमरजेंसी कॉल आपको दिखेगा, सेम इसी तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे हमारे फ़ोन में इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, तो आपको भी अपने फ़ोन का इमरजेंसी कॉल वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने इमरजेंसी कॉल वाला ऑप्शन को ऑन किया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, ये देखिए डायलर पैड दिखाई देता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायल करना है सबसे पहले लेटेस्ट यहाँ पे दिसंबर महीने का हम कोड आपको दे रहे हैं, FRP कोड इसको कहते हैं, और ये कोड आपको ये कुछ इस तरीके से इसको आपको इंटर कर लेना है और कॉल कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इंटर करके कॉल कर लेना है। ये देखिए हमने इसको कॉल किया, ओके कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से कॉल करके ओके कर लीजिएगा, इसको आपको एक बार ओके कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ से स्किप हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये देखिए इमरजेंसी कॉल वाला ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जैसे हमने एक बार क्लिक किया यहाँ पर रेड कलर का, तो यहाँ पर टैप अगेन का ऑप्शन है, तो टैप अगेन हमें कर देना है, एक बार जाके टैप अगेन। ये देखिए हमने इसको टैप अगेन किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा यूजर नेम है, ये यही यूजर नेम है जो हमने लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसी यूजर नेम से हमारा फ़ोन अगर लॉक है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको नेम चेंज करने का ऑप्शन आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा नेम जो है ऑटोमेटिक हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहले का नाम था वो हम नाम चेंज करके यहाँ पे 007 कुछ भी आप अपना दूसरा नाम कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, ओके कर दीजिएगा। ये देखिए ऐड हमारा हो गया, ओके हो गया। अब यहाँ पे बैक के निशान है, बैक के निशान पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे बैक करेंगे, वापस से जब हम इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे फिर से आ जाएंगे तो हमें बस इसको ये वाला बैक ऑप्शन को एक बार इस तरीके से बैक करना है। बैक करते ही पाएंगे कि हमारा जो स्मार्टफोन है ये ऑटोमेटिक तरीके से अनलॉक हो चुका है, वो भी विदाउट डेटा लॉस के साथ। जितने भी हमारे डेटा थे, ऐप्स थे, सब वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, हमें कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने Redmi, MI, Xiaomi, पोको के डिवाइसेस को यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं इस मेथड से। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोई दिक्कत आपको होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए स्पेशल वीडियो भी हम बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।